हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। तो आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ 5 फॉर्मूले, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो अगर आप सीखना चाहते हो लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन, मिड फंक्शन, लेंथ एंड फाइंड, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, जिससे आप सीख पाओगे पूरी तरीके से इसकी कंसेप्चुअल और प्रैक्टिकल यूज। तो आइए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल कैट गुरु। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट फंक्शन की। नाम से आपको पता चल ही रहा है कि लेफ्ट लेफ्ट की ओर से वर्क करेगा, राइट राइट की ओर से वर्क करेगा। तो लेफ्ट राइट जो फंक्शन है एक ही है, बस दोनों का डायरेक्शन थोड़ा अपोजिट है। अब बात करते हैं आखिर ये फंक्शन काम क्या करेगी। तो लेफ्ट की बात करते हैं, तो जो लेफ्ट फंक्शन है वो आपसे लेफ्ट की ओर से स्टार्ट करेगा और आपसे पूछेगा कि आप लेफ्ट की ओर से कितने कैरेक्टर को प्रिंट करना चाहते हो एक प्रॉपर सेल में से। जैसे कि आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन के ऊपर, मैंने पार्टिकुलर्स में कई सारे नाम लिखे हुए। मैं चाहता हूं कि हर नाम के सिर्फ शुरू के 5 कैरेक्टर ही प्रिंट हो। तो अगर मुझे सिर्फ 5 कैरेक्टर प्रिंट करने हैं, वो भी लेफ्ट काउंटिंग करते हुए, तो मुझे वो प्रिंट करने के लिए लेफ्ट फंक्शन की यूज करनी पड़ेगी। मैं आपको जो करके दिखाता हूँ, मैंने लिखा लेफ्ट के पास, मैंने कहा इक्वल टू, मैंने लिखा लेफ्ट ब्रैकेट, उसने कहा टेक्स्ट कि आप किस वाले टेक्स्ट में से कुछ कैरेक्टर निकालने वाले हो। तो मैंने कहा ये मेरी टेक्स्ट है पूरी B4, मुझे इसमें से कॉमा लगा के। वो पूछा नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने नंबर आपको इसमें से निकालने हैं। अब वो आपसे ये चीज पूछ रहा है, तो मुझे चाहिए सिर्फ 5 कैरेक्टर, तो मैं यहाँ सिर्फ 5 लिखूंगा और ब्रैकेट बंद। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने लेफ्ट लिखा, लेफ्ट के अंदर गया, ब्रैकेट मैंने ओपन की, ब्रैकेट ओपन करके उसने सबसे पहले मुझसे पूछा कि आप मुझे वो टेक्स्ट दो पहले जिसमें से आप कुछ कैरेक्टर निकालने वाले हो। तो मैंने B4 इंसर्ट की, कॉमा लगाया, उस टेक्स्ट में से कितने कैरेक्टर आप निकालोगे। मैंने लिखा 5, मुझे 5 कैरेक्टर निकालने हैं, एंटर। तो आप देख सकते हो कि उस टेक्स्ट में से जो 5 नाम है वो निकल चुके हैं। ऐसे ही इसे ड्रैग कर लेते हैं, तो सबके 5-5 नाम निकल गए। अब आप मुझसे कहोगे कि एग्जाम में तो 4 ही है, तो मैं आपको बता दूं जो लेफ्ट फंक्शन है वो स्पेस को भी एक कैरेक्टर की तरह डील करता है। तो आप देख सकते हो एग्जाम के बाद स्पेस, उसके बाद बैल लिखी गई है, तो उसने एग्जाम के बाद स्पेस को लिया हुआ है। आप देख सकते हो B6 और मैंने 5 कैरेक्टर लिए हुए हैं, तो एग्जाम के साथ साथ स्पेस भी प्रिंट हुई है। सेम इसका अपोजिट डायरेक्शन से ये सेम फंक्शन को प्रिंट करेगा, वो है राइट। मैंने कहा इक्वल टू राइट, उसने कहा टेक्स्ट, मैंने अपने टेक्स्ट को ले ली, कॉमा, उसने कहा कि राइट की ओर से मुझे 6 कैरेक्टर प्रिंट करने हैं। तो मैंने यहां लिखा 6 और एंटर। तो आप देख सकते हो कि राइट की ओर से 6 कैरेक्टर प्रिंट हो गए। वैसे ही मैं इसे ड्रैग कर लूंगा, तो सभी टेक्स्ट के राइट की ओर से 6 कैरेक्टर प्रिंट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो इजीली एकदम। अब बात करते हैं मिड की। अब देखो मिड क्या है, कि मिड एक थोड़ा सा पेचीदा फॉर्मूला है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं कहूंगा इसे मिड को, जिसको आप सीखोगे अपनी अगली वीडियो में कि इसका क्या इंपॉर्टेंट यूज है। क्योंकि इसे अकेला तो कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन किसी के साथ इसे मिक्स कर दिया जाए तो ये सुपरमैन जैसा काम करता है। तो फिलहाल तो हम पढ़ते हैं कि आखिर बेसिक क्या है मिड की। तो मैंने लिखा इक्वल टू, फॉर्मूले का नाम मिड ही है। इसका मतलब होता है कि आपके टेक्स्ट में से कहीं से भी कुछ कैरेक्टर उठा लेना, वो होता है मिड। मतलब कहीं से भी, ना राइट ना लेफ्ट, मैं बीच में कहीं से भी कुछ कैरेक्टर उठाऊंगा। उसने कहा टेक्स्ट, तो पहले मैंने टेक्स्ट दिया कि इसमें से मुझे कुछ कैरेक्टर चाहिए, कॉमा, उसने कहा स्टार्टिंग नंबर, आपको जो कैरेक्टर चाहिए वो स्टार्ट कहाँ से होगी। अगर मैं कहूँ कि मुझे मुझे कुमार से स्टार्ट करना है, के से स्टार्ट करना है, तो मुझे काउंट करना पड़ेगा कि आकाश में AKASH 5 कैरेक्टर, देन स्पेस 6 कैरेक्टर। तो मैं यहाँ 6 लिखूंगा कि स्टार्ट आपको करना है 6 कैरेक्टर से। अब वो पूछ रहा है कि 6 कैरेक्टर से मैं स्टार्ट तो हो गया, अब 6 कैरेक्टर से स्टार्ट होने के बाद आपको कितने कैरेक्टर चाहिए। मतलब मैं स्पेस तक पहुंच गया, अब यहां से आप क्या चाहते हो कि पूरी कुमार पूरी चौहान प्रिंट कर दूं। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ स्पेस से स्टार्ट होना है
और मुझे आर तक प्रिंट करनी है। तो अब मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर दूंगा, तो मैंने कहा 5। इसका मतलब ये हुआ कि वो सिक्स वाले पोजिशन पे जाएगा, वहां से स्टार्टिंग करेगा नंबर उठाने, और कितने नंबर उठाएगा वो, सिर्फ और सिर्फ 5 कैरेक्टर। एंटर लिया मैंने, तो आप देख सकते हो कि मैं सिक्स पोजिशन से स्टार्ट कर रहा था, मतलब स्पेस के साथ, स्पेस आ गई, के आ गया, यू एम ए। अगर आप चाहते हो कि पूरा पूरा कुमार आए, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि सिक्स से ना स्टार्ट होके सेवन से स्टार्ट हो, मतलब के से स्टार्ट करनी है आपको, तो आपके पास पूरी कुमार आ जाएगी। तो मैंने सेवेंथ पोजीशन से स्टार्टिंग की, 5 कैरेक्टर को पिक किया, ये है मिड, ये कहीं से भी आप उठा सकते थे। अब इसे ट्रैक कर लेते हैं, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं लेंथ की, लेंथ क्या काम करेगा, लेंथ आपके एक पूरे टेक्स्ट में कितने कैरेक्टर लिखे गए हैं उनकी काउंटिंग करेगा वो। मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल स्पेस को भी काउंट करने वाला है, स्पेस को भी एज ए कैरेक्टर काउंट करेगा ये। तो आप देख सकते हो मैंने लिखा इक्वल टू, लेंथ को हम लिखेंगे एल ई एन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसने कहा टेक्स्ट दो, मैंने टेक्स्ट दिया और ब्रैकेट, बस बस छोटा सा फॉर्मूला, एंटर किया, 19 कैरेक्टर इस टेक्स्ट में लिखे गए हैं, उसने स्पेस को भी काउंट किए। ड्रैग कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो इतने कैरेक्टर आपके पास हैं। याद रखिएगा स्पेस को भी एज ए कैरेक्टर डील करते हैं लोग। फाइंड की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसका इम्पैक्ट आप अगली वीडियो में जरूर देखेंगे। फिलहाल हम बेसिक वीडियो की बात करते हैं फाइंड की। फाइंड क्या करेगा कि फाइंड आपके एक कैरेक्टर को आपके एक टेक्स्ट के अंदर ढूंढेगा और बताएगा उसकी पोजीशन क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एस फाइंड करना है, इस वाले में एस, आकाश कुमार चौहान में मुझे ये फाइंड करना है कि एस जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर इस टेक्स्ट में किस पोजीशन पे है, तो आप वो फाइंड कर सकते हो। देखो कैसे, इक्वल टू एफ आई एन डी फाइंड ब्रैकेट फाइंड टेक्स्ट, आपको क्या फाइंड करना है, तो आज आप टेक्स्ट लिखोगे तो आप इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखोगे। मैंने कहा मुझे स्मॉल एस फाइंड करना है, याद रखिएगा ये केस सेंसिटिव भी है, कैपिटल एस स्मॉल एस ध्यान से देख के टाइप करिएगा। तो मैंने स्मॉल एस लिखा, कॉमा लगाया, उसने कहा विद इन टेक्स्ट, किसके अंदर खोजना है आपको, मैंने कहा कि इसके अंदर खोजना है, ठीक है। उसके बाद आप ब्रैकेट बंद करोगे और एंटर लोगे, तो वो आपको बता देगा कि एस की जो पोजीशन है वो फोर्थ नंबर पे। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अगर मैं इस एस को कैपिटल कर दूं तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि वो केस सेंसिटिव है, वो स्मॉल एस कैपिटल एस वो दोनों को एक अलग अलग कैरेक्टर समझता है, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप स्मॉल एस लिख रहे हो या कैपिटल एस लिख रहे हो, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, फाइंड स्पेस के ऊपर भी डील करता है, तो आप स्पेस को भी फाइंड कर सकते थे। मैंने कहा इक्वल टू फाइंड फाइंड टेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस, मैंने स्पेस बार क्लिक की है, इन्वर्टेड कॉमा बंद, मतलब इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस बार, कॉमा विद इन टेक्स्ट, मैंने कहा इस टेक्स्ट के अंदर, तो वो आपको स्पेस की भी पोजिशन फाइंड करके दे देगी। एंटर किया मैंने, तो आपको पोजिशन मिल गई 4। तो ऐसे ही अगर मैं फाइंड करना चाहूं कि सब में स्पेस किस पोजीशन पे है, तो आप फाइंड कर सकते हो। आप देख पा रहे हो इन तीनों में आंसर क्या आया, वैल्यू वैल्यू वैल्यू, इसका मतलब ये है कि इन तीनों में कहीं पे भी स्पेस है ही नहीं। अगर मैं स्पेस दे दूं तो आपको आंसर मिल जाएगा, आ दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको स्पेस देनी होगी, तो ही आप आंसर देख पाओगे। तो अगर आप स्पेस दे दोगे तो आंसर आ जाएगी, स्पेस नहीं दोगे तो वैल्यू लिखा हुआ आएगा। तो फाइंड क्या करता है, आपके एक पूरे एक कैरेक्टर को आपके टेक्स्ट के अंदर फाइंड करके उसकी पोजीशन आपको लाके दे देगा। लेंथ आपके टेक्स्ट की लेंथ को फाइंड करता है, मिड आपके पूरे टेक्स्ट में से कहीं से भी कुछ कैरेक्टर को उठा सकता है आपके लिए, राइट राइट की ओर से उठाएगा, लेफ्ट लेफ्ट की ओर से उठाएगा। ये आपकी आज की वीडियो थी फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो फ्रेंड्स, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, उसे ऑल पे ले जाएं, जिससे आपको मिलेगी मेरे वीडियो की रेगुलर अपडेट्स। तो आज के इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।